हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू राधिका रेसिपी। आज पता मैं आपके लिए क्या लाई हूँ? बहुत ही खट्टी मीठी सी कढ़ी, वो भी एक डिफरेंट वर्जन में। पंजाबी कढ़ी नहीं फ्रेंड्स, गुजराती कढ़ी। और मजे की बात यह है, ये मिनटों में बन जाती है। बहुत ज्यादा झमेला नहीं पकौड़े बनाने का और सब्जियां काटने का, बस फटाफट से 10-15 मिनट के अंदर अंदर ये बहुत जल्दी बन जाती है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलते हैं अपनी गुजराती कढ़ी की तरफ। सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम बनाते हैं फटाफट से अपनी खट्टी मीठी सी गुजराती कढ़ी, जो मिनटों में यानी कि 10 से 15 मिनट में बातों बातों में बन जाती है। ठीक है, ये फ्रेंड्स मैंने फ्रेश दही ली है, ये देखिए आधा कप ली है। आप खट्टी दही भी ले सकते हो और फ्रेश भी ले सकते हो, और प्रेफरेबल अगर आप घर की जमी हुई दही लेंगे तो ज्यादा बेटर है। ठीक है, इसमें मैं डालूंगी 2 टेबल स्पून बेसन। एज कम्पेयर टू फ्रेंड्स जो पंजाबी कढ़ी होती है उसमें बेसन ज्यादा डलता है, तो इसमें कम डलता है। इसको हम अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे इस तरह से, विस्कर से, चाहे तो आप ब्लेंडर से भी कर सकते हो, इस तरह मर्जी। जैसे नॉर्मल कढ़ी पंजाबी कढ़ी बनाते हैं ना, बस वैसे ही इसको अच्छे से फेंटना है, ताकि बेसन जो है अच्छे से लम्स ना बने हमारी। वैसे तो फ्रेंड्स ये बहुत जल्दी बन जाती है, इसमें कोई प्याज, कोई लहसुन, कोई सब्जी, कोई पकौड़े नहीं डलते। हर स्टेट की फ्रेंड्स अलग अलग तरह की कढ़ी बनती है, जैसे पंजाबी में पकौड़े डाल के बनती है, महाराष्ट्र में और तरह की बनती है, सिंधी कढ़ी होती है, ये गुजराती कढ़ी है, बहुत ही अच्छी बनती है। ये देखिए बस इस तरह से फाइन पेस्ट बनानी है। ठीक है, जैसे कि ये फाइन पेस्ट बन गई फ्रेंड्स, इसमें मैं डालूंगी 3 कप पानी। इस तरह से हम इसको पहले ही घोल बना लेंगे। लो जी, रेडी हो गया हमारा बैटर। फटाफट से लगाते हैं इसको तड़का। फ्रेंड्स ऑथेंटिकली तो वैसे तो ये देसी घी में बनती है, आप चाहें तो नॉर्मल वेजिटेबल ऑयल भी डाल सकते हो, लेकिन जो स्वाद है टिपिकली वो देसी घी में है। ठीक है, मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून क्लेरिफाइड बटर यानी कि देसी घी। इसमें मैं डालूंगी 1 टीस्पून जीरा। गैस का फ्लेम कर देंगे स्लो, क्योंकि अभी फिलहाल हम सारे अपने खड़े मसाले डालेंगे। 10 से 15 करी लीव्स फटाफट से बस हमें डालते जाना है। 2 से 3 हरी मिर्च, 2 से 3 सिनेमन स्टिक यानी कि दालचीनी की, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। वैसे तो फ्रेंड्स इसमें और तो कुछ डलता नहीं, तो फ्लेवर्स का ही कमाल है इसमें। ये देखिए कोई भी चीज आप स्किप मत करिएगा, अदरवाइज इसमें और तो कुछ है नहीं। अगर हम इसमें फ्लेवर्स भी नहीं डालेंगे तो कड़ी जो है बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगेगी। बस हल्का सा हम इसको सॉटे करेंगे, और साथ ही मैं डाल दूंगी इसमें मस्टर्ड से 1 टीस्पून। आप चाहें तो मोटे वाले भी डाल सकते हैं, जो बड़े वाले काले वाले आते हैं ना, झटपट से बन जाती है। और ये बहुत ही स्टेपल फूड है फ्रेंड्स गुजरातियों का, हल्की सी खट्टी मीठी होती है। चाहे आप इसको लंच में खाओ राइस के साथ, बॉइल्ड राइस, या आप जीरे वाले चावल भी बना सकते हो, या डिनर में खाओ फुलके के साथ भी बहुत अच्छी लगती है। और बहुत ही लाइट होती है, मतलब जैसे नॉर्मल हम पंजाबियों में कढ़ी जो होती है वो थोड़ी सी हैवी होती है, लेकिन ये बहुत लाइट होती है। जैसे जैसे आप वीडियो एंड तक देखेंगे आपको लगेगा अरे इसमें तो कुछ भी नहीं डला। तो क्या करेंगे फ्रेंड, इसमें मैं डालूंगी ये जो हमने बैटर रेडी किया था, ये सारा ये वाला, बस इसको जैसे हम नॉर्मल कढ़ी बनाते ना फटाफट से इसको हिलाते रहना इस तरह से, एक बॉईल आने तक इस तरह हम कड़छी करते रहेंगे, ताकि दही जो हमारी फटे नहीं। फ्रेंड्स इसमें ना वैसे तो ये हल्की सी खट्टी मीठी यानी कि हल्की सी इसमें चीनी या फिर गुड़ भी डलता है, बट कई लोगों को जैसे कुछ चीजें मीठी नहीं अच्छी लगती तो आप इसको स्किप भी कर सकते हो। वैसे ऑथेंटिकली जो गुजराती वो लोग हैं वो लोग हल्की सी मीठा डाल के खाते हैं। इसको बहुत देर पकाना भी नहीं पड़ता फ्रेंड्स, बस अभी देखना बातों बातों में ही 5-10 मिनट में कढ़ी हमारी रेडी हो जाएगी। ये देखिए फ्रेंड्स बॉयल आने वाला है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जैसे आप देख रहे हो हल्का सा ये थिक हो गया क्योंकि हमने बेसन डाला हुआ है। ये देखिए अब हम क्या करेंगे, इसमें मैं 1 कप पानी और डाल दूंगी। वैसे तो फ्रेंड्स इसकी जो कंसिस्टेंसी होती है थोड़ी सी पतली होती है एज कम्पेयर टू जो हम पंजाबी लोग कढ़ी बनाते हैं, बट अगर आपको थिक पसंद है तो आप इसको थिक भी कर सकते हो, बट इसको बहुत देर हमें पकाना नहीं है। ठीक है, इसी बीच में क्या करूंगी, अब डालूंगी नमक 1.5 टीस्पून सॉल्ट। साइडों से सब अच्छे से निकाल लेंगे। थोड़ा सा हम डालेंगे इसमें चॉप किया हुआ धनिया फ्लेवर्स के लिए। फ्रेंड्स इस कढ़ी में बस फ्लेवर्स का ही कमाल है, अदरवाइज और कुछ भी नहीं है। अगर आप इसमें से कोई भी चीज स्किप करोगे तो वो मजा ही नहीं आएगा फ्रेंड्स। अदरवाइज मैं आपको कई बार बोल देती हूँ कि आप ये स्किप कर सकते हो, ये इंग्रेडिएंट नहीं है तो आप छोड़ सकते हो, बट इस कढ़ी में आप कोई भी पॉइंट स्किप नहीं कर सकते, बस आप मीठे को स्किप कर सकते हो। क्या करते हैं फ्रेंड्स, इसको 10 मिनट के लिए हम ढक के रख देते हैं, तो रेडी हो जाएगी हमारी गुजराती कढ़ी। लो जी इसको ढक देते हैं लीड लगाकर, और मिलते हैं आपको 10 मिनट के बाद। 10 मिनट हो चुके हैं फ्रेंड्स, ये देखिए हमारी कढ़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो गई है। इसकी कंसिस्टेंसी देखिए फ्रेंड्स, ये देखिए वैसे तो ये फाइनली इस तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है,
ठीक है। नॉर्मली वो लोग ऐसे ही खाते हैं क्योंकि राइस के साथ चाहिए होती है, हल्की रहती है। अगर आपको इससे थिक चाहिए आप 5 मिनट के लिए और इसको पका सकते हो। एंड में क्या करेंगे फ्रेंड्स, गैस का फ्लेम करेंगे स्लो और इसमें मैं डालूंगी आधा नींबू थोड़ी सी खट्टाई के लिए, और थोड़ी सी डालूंगी मैं इसमें चीनी। आप चाहे तो इसको स्किप भी कर सकते हो और चाहे तो इसको डाल भी सकते हो। मैं आज टिपिकली वैसे ही बनाऊंगी। रेडी है जी हमारी गुजराती कढ़ी, करते हैं इसकी प्लेटिंग। टन टन, तो रेडी है हमारी खट्टी मीठी से गुजराती कढ़ी। ओ माई गॉड, इतने फ्लेवर्स की फ्रेंड्स इसमें खुशबू आ रही ना किचन में, मैं आपको बता नहीं सकती। इट्स सो सिंपल, इतनी सिंपल डिश है ना फ्रेंड्स, ये कभी भी आप बना सकते हो। कभी भी इंस्टेंट आपके रिलेटिव्स आ जाएं और कभी भी मन करे हल्का सा कुछ खाने को, तो ये बनाइए सिंपल सी कढ़ी और साथ में बॉइल्ड राइस, चाहे तो जीरे वाले चावल बनाइए, तो मजा आ जाएगा फ्रेंड्स खाकर, और घर वाले भी खुश। और इतनी लाइट है, खाकर आपको हैवीनेस ही नहीं लगेगी। ऊपर हल्का सा आप चाहें तो देसी घी डाल सकते हो, और हल्का सा चाहें तो ऊपर से हल्का सा हम डालेंगे धनिया गार्निश करने के लिए। रेडी होगी जी हमारी गुजराती कढ़ी, ये देखिए फ्रेंड्स। ओहो हो, गर्मा गर्म गुजराती कढ़ी। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन पे जरूर बताइएगा, और मेरी रेसिपी को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, जिसको चाहे जब मर्जी शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी घर पे बहुत अच्छा खाना खा सके। तो फ्रेंड्स, मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वेरिएशन के साथ, नए सस्पेंस के साथ, और बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ, जिसे आप घर पे बहुत अच्छा खाना बना सको। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर, अच्छा खाते रहो, बड़ा आदर करते रहो, और भगवान की पूजा करते रहो।